हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है कोडिंग नेटर का, जिसमें आपको हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसे यूज़ क्यों किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कोडिंग नेटर है क्या। कोडिंग नेटर एक पावरफुल PHP फ्रेमवर्क है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए, PHP फ्रेमवर्क है और ये आपका डिपेंड करता है MVC पे, काम करता है MVC में। MVC का मतलब क्या है? एम का मतलब है मॉडल, वी का मतलब है व्यू और सी का मतलब है कंट्रोलर। मॉडल से मतलब ये है कि जो भी आपका डाटा होता है, जैसे डाटाबेस में जो डाटा रखा जाता है, जो यूज़र को दिखता है डाटा, कोई भी इम्पोर्टेंट कंटेंट, वो आपका मॉडल में आता है। और जो व्यू होता है, जैसे आप इस पेज को देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? आपको आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये आपका व्यू है, ये आपका फ्रंट एंड है। और मॉडल क्या होता है? बैक एंड, जो पीछे से काम करता है। एक होता है कंट्रोलर, MVC, सी का मतलब है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब क्या करेगा? आपका जो मॉडल होता है, आपके डाटा को आपके इस, जैसे आप देख रहे होंगे, व्यू से, फ्रंट एंड से कनेक्ट करता है। और देखिए, इसे यूज़ क्यों किया जाता है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। और हमारे एक फ्रेंड है सिद्धार्थ श्रीवास्तव, उनने रिक्वेस्ट की थी हम इसका वीडियो बनाएं, तो हम इसके वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसे यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्सट्रीमली लाइट वेट है। मतलब आप ये कह लीजिए कि इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, फिर भी ये इतनी कम मेमोरी लेता है, तो सर्वर में बहुत कम लोड पड़ता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पर। और इसे लर्न करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, ये तो सर इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके डाउनलोड की। तो देखिए, इसमें कुछ इतना कठिन नहीं है डाउनलोड करना। आप यहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो आपका पेज इस तरह से खुल के मिलेगा। आपको इसमें 3 या 4 वर्जन मिलेंगे। देखिए, करंट वर्जन, फ्यूचर वर्जन और कोडनेटर 2 लेगेंसी वर्जन। तो देखिए, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से डाउनलोड कोडनेटर 3 या फिर 2 या फिर 4। देखिए, डाउनलोड करने के बाद वो आपको एक जिप फाइल बताएगा, उस जिप फाइल को आपको अनजिप करना है। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर एक जिप फाइल मिलेगी, इसको अनजिप कीजिए और जो आपका वैम्प है उसकी www जो आपका फोल्डर होगा उसके अंदर इसे पेस्ट करना है, उस फोल्डर को जो आपका अनजिप होकर आएगा, और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, देखिए चलते नए नए वर्जन आते रहते हैं। आप जब भी, आप पता नहीं कभी से देख रहे होंगे 2018, 2019 या जब भी आप देख रहे होंगे, तो देखिए उसमें कितने सारे नए वर्जन आ गए होंगे, नई प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐड होंगी, नए फंक्शंस कुछ ऐड हो चुके होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या करता है? आपको हेल्प करता है नए नए। तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे रीड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, देखिए रीड यूज़र, जैसे कि ये 3 का है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन इसका क्या है, ट्यूटोरियल्स और कहते हैं जनरल टॉपिक्स, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए, अगर कुछ सी भी, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, तो यहाँ से भी आप सीखते हैं, सीख सकते हैं। और जब भी आप देख रहे होंगे, तो देखिए कोड थोड़ा चेंज हो जाता है टाइम के साथ, थोड़ी और फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है, थोड़ा कोड छोटा कर देते हैं, तो वो सब आप रेफरेंस कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पर हमारा www जो मैंने आपको बताया था फोल्डर, उसका हमने शॉर्टकट यहाँ क्रिएट किया है। इसके अंदर जो हमने क्या कहते हैं कोडिंग नेट डाउनलोड किया है, उसको मैंने नया नेम दिया है VJCI, और इसके अंदर ये इस तरह से एप्लीकेशन मैंने पूरा पेस्ट कर दिया है इसके अंदर इसे। अब देखिए, मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, सबलाइन टेक्स्ट 3। इसके अंदर मैंने इस फोल्डर को खोला है। तो आप कैसे खोलेंगे? फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर पर जाएंगे और अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम एप्लीकेशन फोल्डर की। देखिए, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहली फाइल आती है हमारी कैश फाइल। कैश फाइल क्या करती है? आपकी प्रोसेस को इनक्रीज़ करती है, स्पीड को इनक्रीज़ करती है। और दूसरी चीज़ है कॉन्फ़िगरेशंस। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको किस तरह से आपका पूरा फ्रेमवर्क काम करेगा, वो यहाँ पर इतनी सारी फाइल इसमें आपको दिया होता है। और पहली फाइल हमें यहाँ दी है ऑटो लोड। ऑटो लोड मतलब क्या है? जिन फाइल्स को, किन क्लासेस को आप पहले से लोड कराना चाहते हैं, फटाफट लोड कराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं जैसे आप ओपन करें अपना क्या कहते प्रोजेक्ट, वो लोड हो जाए, तो यहाँ पर ऑटो लोड को यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपका जितने भी URL की सेटिंग्स होती है, या फिर कह लीजिए और भी चीज़ें जो होती हैं, डिफ़ॉल्ट्स जो होती हैं उनका, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, URLs, इंडेक्स फाइल और URL प्रोटोकॉल, ये सब आपका कॉन्फ़िगरेशंस में आता है। और बात करेंगे अब डाटाबेस की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डाटाबेस, आपको पता होगा क्यों यूज़ होता है, कोई भी डाटा को स्टोर कराने के लिए उससे रिलेटेड सारी फाइलें आपकी यहाँ पर स्टोर होती हैं। और देखिए ये और ऐसी कुछ फाइल्स हैं हमारी।
अब हम आएंगे कंट्रोलर में। मैंने आपको बताया था तीन पार्ट होते हैं एमवीसी के, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो देखिए कंट्रोलर हमारा यहाँ पर है जो कि करेगा हमारे मॉडल और व्यू को कनेक्ट करेगा। और दूसरी चीज़ है मॉडल, आपको यहाँ दिख रहा होगा फोल्डर, ये जो मॉडल फोल्डर है जिसमें हम अपने क्या कहते हैं डाटा के फंक्शनैलिटी को क्रिएट करेंगे। और व्यूज़ जो जिसमें हमारा HTML का ज़्यादातर कोड आता है, HTML, CSS, इससे रिलेटेड है, जिस जो यूज़र को दिखता है वो आपका व्यूज़ में आता है। अब और बात करेंगे, देखिए कोर की बात करते हैं। कोर हमारा क्या करता है, आपकी बेस क्लास होती है, जो बेस क्लास क्लासेस होती हैं उनका यहाँ पर कलेक्शंस होता है कोर में। अब देखिए अब आ जाते हैं सिस्टम्स में। यहाँ पर सिस्टम्स में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कोर फोल्डर। कोर फोल्डर में आपको जितनी भी आपकी कोर लाइब्रेरीज हैं, कोर कोड है और क्या कहते हैं अदर लाइब्रेरीज हैं, उन सब का कलेक्शन यहाँ होता है कोर में। और डाटाबेस में आपका डाटाबेस का कलेक्शन होता है। फॉन्ट में आपका अलग अलग जितने टाइप के फॉन्ट होते हैं उनका कलेक्शंस होता है। और जो आपका हेल्पर है वो क्या करता है, आपकी कुकीज़ रखता है और URL हेल्प करता है, URL में। और लाइब्रेरीज में क्या होती हैं आपके, जैसे ईमेल हो गया, कैलेंडर हो गया, फाइल अपलोड करनी हो गई, फाइल को डिलीट करना हो गया, ये सब आपका लाइब्रेरीज में आ जाता है यहाँ पर लाइब्रेरीज में। और देखिए एक और यहाँ पर आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी, यूज़र गाइड। देखिए यूज़र गाइड जो हमने आपको इंटरनेट में बताया था, जब ऑनलाइन कनेक्शन आपका था तो यूज़र गाइड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो देखिए अगर आप अपने कहते ब्राउज़र में जाएंगे तो अगर अपना जहाँ पर अपने WW में अपने जो प्रोजेक्ट का नेम है विजय CI है मेरे प्रोजेक्ट का नेम, तो यहाँ पर आपको एक फर्स्ट वेलकम मिला है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू कोड इग्नाइटर। इसी तरह से यहाँ पर आप डालेंगे स्लैश यूज़र गाइड अंडर स्कोर गाइड, तो यहाँ पर आपको क्या करेगा पूरी यूज़र गाइड देखिए जो आपको इंटरनेट से मिल रही थी ये आपको पूरी ऑफलाइन मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरे गाइड को देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखिए, हमारी जो इंडेक्स PHP फाइल होगी यहाँ पर, ये क्या करती है आपको पूरा इन्वायरमेंट को सेट करने का काम करती है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि वर्क कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी एक इंडेक्स फाइल जो सबसे पहले क्रिएट होकर आती है हमारी इंडेक्स फाइल, इसे आप दो तीन तरह के एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डालेंगे यहाँ पर इंडेक्स PHP तो सबसे पहले ये एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर का नेम देंगे, तो कंट्रोलर का नेम है वेलकम। और उसके बाद देते हैं हम मेथड का नेम जो है इंडेक्स, उसमें भी हमारा सेम यही एक्सेस होगा। तो सबसे पहले बताते हैं कंट्रोलर वेलकम। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे कोड में और सबसे पहले आप जाएँ रूट्स में, तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिखेगी डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर की, सबसे पहले हमें कौन सा कंट्रोलर चलाना है। सबसे पहले जो कंट्रोलर स्टार्ट होगा उसका नेम क्या है, वेलकम, जिस तरह से हमने यहाँ पर URL में डाला था वेलकम जो था कंट्रोलर का नेम, और इंडेक्स क्या था इसके मेथड का नेम। तो देखिए ये जो कंट्रोलर है हमारा वो कहाँ पर होगा, कंट्रोलर के अंदर welcome.php के अंदर। ये क्या है, हमारी एक क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारा एक मेथड है इंडेक्स नेम से, जिससे हमारा ये आउटपुट आ रहा है index.php। अब देखिए इंडेक्स जो फंक्शन है उसके अंदर ये क्या कह रहा है कि लोड करो व्यू को। तो व्यू अगर हम जाएं व्यू में, यहाँ पर देखिए व्यू है, इसे ओपन करें तो इसके अंदर हमें कौन सी फाइल को एक्सेस करना है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज फाइल को। तो यहाँ पर वो है वेलकम अंडरस्कोर मैसेज फाइल। और अगर आप इसे देखें तो ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप वेलकम इंडेक्स का कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो देखिए अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाएंगे आप कंट्रोलर में और वेलकम PHP में, और इंडेक्स के अंदर अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिंपल आप ये नहीं चाहते कि ये प्रिंट हो हमारा वेलकम मैसेज, तो आप चाहते हैं कि ईको प्रिंट हो, ईको और अंडरस्कोर कुछ लिखते हैं, इस तरह से मैं लिखता हूँ CS Geeks, ये मैंने लिखा, समय को लगाएंगे, सेव करता हूँ मैं इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट में चेंज देखिएगा, जो पहले एक आउटपुट ये है, रिफ़्रेश करूँगा तो CS Geeks, ये हमारा इस तरह से एक आउटपुट जनरेट होके आ गया। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा क्या कहते हैं आपका कोड इग्नाइटर काम करता है। सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर जो क्लास होगी वेलकम उसको कॉल करेगा, उसके बाद उसके फंक्शन को कॉल करेगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर दो तीन फंक्शन और बनाएंगे तो आप यहाँ पर अगर URL में डालें वेलकम इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स था उसे कॉल किया था हमने, उसी तरह से आप और फंक्शन को भी यहाँ से कॉल कर सकते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे हम एक कंट्रोलर और व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे आपको कल बताया था कि एक हमारा एक कंट्रोलर है
जिसमें इंडेक्स फंक्शन क्रिएट हो रखा है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक व्यू को कॉल कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा इस तरह से एक लेआउट क्रिएट होकर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट क्रिएट करने वाले हैं और एक व्यू क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे कंट्रोलर पे और जाएंगे अपन न्यू फाइल पे, और इसे हम लोग नेम देते हैं। तो इसे सेव करेंगे सबसे पहले, और इसे मैं नेम देता हूँ न्यू, या फिर आप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ विजय, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, vhp.pj, इस तरह से इसे सेव कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ वेलकम पहले से क्लास क्रिएट की थी, उसी तरह से विजय नेम की क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसी कोड को कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्लासेस के नेम में, और कुछ फॉर्मेलिटीज चेंज करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो क्लास का नेम लिखते हैं इस तरह से विजय, और देखिए इसके अंदर मैंने इंडेक्स फंक्शन रखा हुआ है सेम। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंडेक्स फंक्शन क्यों रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज कीजिए, मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन इस तरीके से, और इसे मैंने दिया नेम ऐड। इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इको हेलो फ्रेंड्स इस तरीके से, सेमीकोलन, इसे सेव करता हूँ मैं। और इस देखिए, सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर URL में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विजय, और मैं ऐड फंक्शन को कॉल करना भूल जाता हूँ, ऐड फंक्शन को कॉल करना भूल जाता हूँ। तो क्या होगा, आपका जो आपका इंडेक्स फंक्शन होगा, इंडेक्स फंक्शन ये बिन बुलाए कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप कुछ और मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो जब हमें ऑटोमेटिकली कोई और फंक्शन कॉल करना होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऐड फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जा रहा है। तो ये इसलिए यूज़फुल है, लेट अस सपोज कीजिए आपका जो यूज़र है कोई URL डालना भूल गया, जैसे स्लैश, जैसे मैं भूल गया था स्लैश ऐड डालना, उस तरह से वो भूल गया, तो उसे कोई ब्लैंक मैसेज की बजाय कोई इस तरह से एक मैसेज शो करवा सकते हैं आप। और अगर वो ऐड को कॉल करेगा तो ऐड आपका ऐड भी यहाँ पर शो हो जाएगा, स्लैश ऐड को इस तरह से कॉल करेंगे तो ऐड में आ गया आपका हेलो फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर हम इस तरह से कोड लिख रहे हैं तो व्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं व्यू में क्रिएट करेंगे, और व्यू में HTML का सारा कोड हम क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जाएंगे व्यूज़ में, न्यू फाइल में, और इसे सेव करते हैं हम, या फिर कह लीजिए ऐड नेम से, add.php, इस तरीके से सेव कर लिया इसे हमने। अब देखिए, विजय से हमें ऐड को कॉल करना है, जैसे हम वेलकम में देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिस लोड व्यू से हम वेलकम मैसेज को कॉल करते हैं, उसी तरह से हम ऐड को भी कॉल करेंगे। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और यहाँ पर इसे कर लीजिए पेस्ट इस तरीके से। और इसके अंदर आपको क्या देना है, अपने क्या कहते हैं नेम देना है, हमारा क्या है ऐड PHP, यहाँ पर लिखेंगे ऐड, सिंपल। और देखिए, अगर आप इसके अंदर फोल्डर बना के क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप फोल्डर क्रिएट करते हैं कोई और नेम का, जैसे मान लीजिए आपके इसके अंदर आपने क्रिएट किया न्यू नेम से फोल्डर, और उसके अंदर आपने ऐड फाइल को क्रिएट किया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा न्यू, और फिर लगाना पड़ेगा स्लैश, आपको एड्रेस देना पड़ेगा इस तरह से, और .php लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, अब हमें क्या करना है, इस add.php के अंदर कोड लिखना है HTML का। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने एक HTML की फाइल क्रिएट की है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले दिया है इसे टाइटल ऐड नेम से, और बॉडी के अंदर मैं हेडर वन के अंदर कुछ लिखता हूँ। तो जैसे हम लोग लिखते हैं दिस इज न्यू व्यू, मैंने ये लिखा, H1 को मैंने कर दिया इस तरह से क्लोज, इसे सेव करेंगे। अब देखिए, जो हमारा कंट्रोलर था वो किसे कॉल करता है, ऐड को, और ऐड हमारा कहाँ पर है, व्यू के अंदर ऐड है, तो व्यू के अंदर ऐड फाइल में देखेगा, और इसके अंदर इसे इस तरह की फाइल मिलेगी जिसमें हमें ये प्रिंट करवाना होगा। तो इसे सेव करते हैं, देखिए सारी फाइलों को सेव कर लीजिए, और इसे करते हैं रन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा था विजय, ये डिफ़ॉल्ट हमारा जो इंडेक्स के अंदर हमने लिखवाया था वो हमारा प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर लिखते हैं स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे ऐड इस तरीके से, तो हमारा ऐड में हमारा प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ अ न्यू मैसेज। तो इस तरीके से आप कंट्रोलर और व्यू को क्रिएट करके अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं, और एक इस तरह से आउटपुट को क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। तो देखिए, मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारा पूरा बैक एंड का काम होता है, पूरे डाटा से रिलेटेड काम होता है, तो वो हम मॉड्यूल्स में बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूल्स, इसमें हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो न्यू पे जाएंगे, न्यू फाइल, और इसे सेव करते हैं
न्यू नेम से, तो मैं इसे सेव करूँगा आपका अजय नेम से, और सब स्मॉल लेटर में होगा आपका नेम, AJAY सारा स्मॉल में होगा, .php। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अजय ही नेम से हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो किसको एक्सटेंड करेगी, मॉड्यूल को एक्सटेंड करेगी। तो देखिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी तरह से फंक्शन बनाना है इसके अंदर हमें, तो यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट। सबसे पहले तो नेम चेंज करते हैं इसका, और यहाँ से इसका नेम चेंज करके करते हैं अजय, और ए हमेशा कैपिटल आएगा, और अजय और जो क्लास का नेम, आपकी जो फाइल का नेम होगा सेम होगा, लेकिन फाइल का नेम स्मॉल में होगा और आपके क्लास का नेम कैपिटल में, ए जो होगा कैपिटल में होगा। और यहाँ पर कंट्रोलर की जगह हम लोग एक्सटेंड करेंगे मॉड्यूल को, तो यहाँ पर इसे डिलीट करते हैं, CI_ लिखेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल इस तरीके से, और मॉड्यूल को हम एक्सेस कर लेंगे। अब देखिए इन्हें इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें मॉड्यूल को क्रिएट करना है। तो देखिए इसे डिलीट करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही मैं अपना फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मॉड्यूल के लिए, जो क्या करेगा मेरा गेट डाटा, डाटा को लेगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ गेट डाटा इस तरीके से। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी हमारे डाटाबेस से कनेक्शन नहीं हो रखा है, तो हम लोग डाटाबेस से कुछ ले नहीं सकते, तो सिंपल सा हम आउटपुट एक क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग सिंपल सा आउटपुट रिटर्न करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं रिटर्न इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे, तो लगाएंगे कर्ली स्क्वायर ब्रेसेस और सिंगल कोटेशंस, यहाँ मैं दे रहा हूँ इसका नेम ए, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे डबल कोटेशंस में विजय, इस तरीके से स्टोर कराई मैंने, फिर से लगाएंगे कॉमा, और इसे भी सिंगल कोटेशन में स्टोर कराएंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखते हैं बी, और इसे भी हम सिंगल कोटेशंस में स्टोर कराते हैं, बी एरो, और इसके अंदर स्टोर कराएंगे वैल्यू अजय, इस तरीके से दो वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर लगाते हैं सेमी कोलन। अब देखिए ये जो गेट डाटा है हमारा, एक मॉड्यूल का एक मेथड है, या कह लीजिए फंक्शन है, जिसे हम अपने कहते हैं जो विजय डॉट पी एच पी है, जहाँ पर हमने व्यू क्रिएट किया है, यहाँ पर इस मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बताना होगा कि हम इस मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए यहाँ पर कोड लिखते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ इस तरीके से, लगाएंगे डॉलर का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे दिस, इसी तरह से लोड व्यू की तरह कॉपी करते हैं इसे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और व्यू की जगह अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मॉडल, इस तरीके से मॉडल लिखेंगे। अब इसके अंदर मॉडल के अंदर हमें देना है नेम मॉडल का, कि मॉडल का नेम क्या होना चाहिए, वो भी देंगे हम सिंगल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में अगर हम नेम देना चाहें, मैं दे रहा हूँ अजय इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका नेम हो गया। और देखिए अगर आपके मॉड्यूल का नेम बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो कॉमा लगाइए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे सिंगल कोटेशंस में एक और नेम दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ ए, तो इससे क्या होगा आपका जो अजय हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट होगा, ए में क्रिएट होगा। अब ए से आप एक्सेस कर सकते हैं सिंपल, आपको इतना बड़ा नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा नेम तो छोटा ही है, तो हम इसे एक्स यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर लगाएंगे सेमी कोलन। अब देखिए एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर कराएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू डाटा, और यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे, पहले लगाएंगे सबसे पहले डॉलर का साइन, और फिर लिखते हैं दिस, फिर लगाएंगे एरो का साइन, और फिर हम लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तो अपने मॉड्यूल का नेम, हमारे मॉड्यूल का नेम है अजय, और अजय के अंदर से हमें कौन सा डाटा चाहिए वो बताएंगे, तो अजय के अंदर हमारे देखिए क्या था, अजय के अंदर हमारा था गेट डाटा, तो इसे लेना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे गेट डाटा इस तरीके से पैरेंथेसिस, और इसे क्लोज कर देंगे। अब इस डाटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले प्रिंट अंडरस्कोर आर इस तरीके से, और यहाँ पर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के अंदर हम देंगे डॉलर का साइन, और यहाँ लिखेंगे डाटा, यहाँ लगाते हैं सेमी कोलन, अब इसे रन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा एक आउटपुट क्रिएट होकर आ जा रहा है जो हमने रिटर्न किया था। अगर हम डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो डाटाबेस की वैल्यू भी हम रिटर्न कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यूज़ की, देखिए हमने मॉडल्स की बात कर ली, कंट्रोलर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे व्यू की। देखिए इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में अगर आप हमारा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा इससे हम लोग इस तरह से एक आउटपुट जनरेट कर रहे थे जिसमें हमारा एक एरे आ रहा था। अब इसी तरह से हम इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे, एक टेबल की फॉर्म में इस एरे को प्रिंट करवाएंगे, तो उसमें हम यूज़ करेंगे व्यूज़ का। तो देखिए सबसे पहले
जो हमारा व्यू है ajay.php जिसमें हमने पास किया था एरे, इसकी जगह कुछ और एरे पास करते हैं। तो सबसे पहले इसे करते हैं डिलीट, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे एक और स्क्वायर ब्रेसेस, और इसमें लगाएंगे सिंगल कोटेशंस, और यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नेम। इस तरीके से मैंने लिखा, और इसमें अब मैं वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। इज इक्वल टू एरो का साइन लगाएंगे, और ये लगाएंगे आप सिंगल कोटेशंस के बाहर इस तरीके से, और इसमें एक नेम को स्टोर कराएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विजय यूज़र इस तरीके से। फिर इसी तरह से एक और चीज़, सेकंड नेम लिखते हैं, वो भी सिंगल कोटेशंस में लिखेंगे सेकंड नेम। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, और इसके अंदर स्टोर कराता हूँ मैं कोई सी वैल्यू। इस तरह से मैंने एक वैल्यू स्टोर करवाई, हमने इस तरह से वैल्यू स्टोर करा लिया। इसी तरीके से और वैल्यू भी आप स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगाएंगे इसके बाद कॉमा, और इसे फिर लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। अब देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखते हैं अजय यूज़र, और इसका नेम लिखते हैं यहाँ पर नेगी, यहाँ पर यूज़ करते हैं रमन यूज़र, इसका सेकंड नेम देते हैं जोशी। इस तरीके से हमने एक क्या कहते हैं पूरा एरे बना लिया जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर की है। अब इस एरे को हम लोग कहाँ पास करेंगे, सबसे पहले हम इस मॉडल को ही पूरे अपने जो हमारा कंट्रोल एरे उसमें लोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लोड कर रखा है हमने इस ऐड को, अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए मॉडल को अजय को भी लोड कर रखा है, और इस व्यू को भी हमने लोड कर रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें अजय को हमने लोड कर लिया मॉडल को, और मॉडल में जो हमारा इस तरह से एक फंक्शन बना था उससे भी हमने यहाँ पर लोड करवा लिया। अब देखिए इस प्रिंट को हटाते हैं सबसे पहले, और एक चीज़ हमें क्या करनी है, इस जो हमारा ये व्यू है एड व्यू, इसमें इसे पास करना है ताकि हम इसे टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवा सकें। तो देखिए वो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमने डाटा यहाँ पर सेव किया हुआ है इसको एरे की फॉर्म में सेव करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, फिर लगाएंगे सिंगल कोटेशंस, और इसका नेम मैं दे रहा हूँ यूज़र्स इस तरीके से, और यूज़र की स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लेते हैं यूज़र्स, और यूज़र में हमने एरे के फॉर्म में इसे पास कर दिया। अब हम इस डाटा को व्यू में पास करेंगे, वो कैसे पास करेंगे, यहाँ लगाएंगे सबसे पहले कॉमा, फिर लगाएंगे सिंगल कोटेशंस, फिर लगाएंगे डॉलर का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे डाटा। तो आप ये क्या कर रहे हैं, इस कोड से क्या हो रहा है, ये व्यू में आपका एड कॉल हो रहा है, और यहाँ पर व्यू में ये डाटा पास हो रहा है इधर। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में क्या होते हैं अपने सारे वेरिएबल्स हैं, जो इसके अंदर सारी वेरिएबल्स हैं फर्स्ट नेम इन सबको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लगाते हैं PHP का टैग, तो यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस, और यहाँ पर लिखेंगे PHP इस तरीके से, और यहाँ पर लगाते हैं फॉर ईच लूप, एरे की हर एक वैल्यू के लिए एक लूप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच, और देखिए स्पेस नहीं होता बीच में, फॉर ईच लूप लगाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले देते हैं वेरिएबल का नेम, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ यूज़र्स, और एज अ की मांग रहे हैं यहाँ पर, तो इसे करते हैं डिलीट, और यहाँ पर लिखते हैं इसे यूज़र इस तरीके से। अब देखिए यहाँ लगाते हैं इस तरीके से कोलन, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और लेस देन का साइन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे करते हैं डिलीट, और यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, टेबल क्रिएट की। इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो हमें रो क्रिएट करने की, तो यहाँ पर लिखेंगे TR, और फिर हम करेंगे TD इस तरीके से, और इसके अंदर सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डॉलर का साइन यूज़र, ये यूज़र जो हमारा ये यूज़र है, और इसमें क्या चाहिए हमें, इसकी फर्स्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम इस तरीके से, फिर लगाएंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क, और फिर TD को क्लोज करते हैं, TD को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और TD बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे TD इस तरीके से, और यहाँ पर लगाएंगे इसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी वैल्यू क्या थी, सेकंड नेम, तो यहाँ पर लिखते हैं सेकंड नेम, यहीं से इसे पहले कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि नेम में फिर गलतियाँ होती हैं, तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। अगर आप सेम नेम कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉपी कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई पहले में सेकंड में
तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा एरर कहाँ पर आया है इस तरीके से। और TDU क्लोज करते हैं, TDU क्लोज कर दिया, TR को क्लोज करेंगे, TR भी क्लोज हो गया। अब देखिए PHP के फॉर ईच लूप को भी क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे एरो का साइन, क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखते हैं PHP और थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और फिर लिखेंगे एंड फॉर ईच सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क, ये क्लोज हो गया। अब देखिए अब इसे हम और एक और चीज़ टेबल को क्लोज करना है यहाँ पर से, ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे रन कर सकते, देखिए फ्रेंड्स अब सारी फाइलों को आप सेव कर लीजिए एक एक बार, इस तरीके से सेव करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको इस तरह सिंगल कोटेशन में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा बिना उसके। अब देखिए इसे रन करते हैं, रिफ्रेश करेंगे इसे एक बार, तो देखिए हमारा आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, विजय यूज़र मनराल, विजय यूज़र नेगी और रमन यूज़र जोशी। तो इस तरीके से व्यू को यूज़ करके आप देखिए हमने यहाँ पर एरे की फॉर्म में डाटा पास किया, वो भी अपने व्यू में, और इस तरह से हमने अट्रैक्टिव वे में इसे प्रिंट करवा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विजय आउट।